पिछले 24 घंटों में झारखंड में मौसम शुष्क ड्राई रहा है और सबसे अधिक अधिकतम तापमान 42.0 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में रिकॉर्ड किया गया है और जो सबसे कम न्यूनतम तापमान है वो 22.8 डिग्री सेल्सियस देवघर में रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करते हैं कि आने वाले 5 दिन झारखंड में कैसे रहेंगे। तो आज से 15 से जो आने वाले जो 5 दिन हैं उन 5ों दिन झारखंड में आपको कुछ कुछ जगह पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश गर्जन वज्रपात के साथ में देखने को मिलेगी। और खासकर इलाकों की बात की जाए तो जो पूर्वी इलाके हैं और उनसे सटे हुए जो दक्षिणी भाग हैं और मध्य भाग, कुल मिला के कहें तो संथाल, कोल्हान और उससे सटा हुआ जो मध्य भाग है रांची तक और चाईबासा सिमडेगा, इन इलाकों में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश गर्जन वज्रपात के साथ देखने को मिल सकती है और उस समय सतही जो हवा है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल सकती है। तो गर्जन और वज्रपात के समय में लोगों से यही सलाह है कि थोड़ा सा केयरफुल रहें, थोड़ा सा जागरूक रहें। जब काले घुंघराले गरजने बरसने वाले बादल जब आसमान में छा रहे हों उस समय पेड़ और पोल के नीचे में ना रहें, सुरक्षित स्थानों पर शरण ले सकते हैं। और अगर तापमान की बात की जाए तो जो अधिकतम तापमान है उसमें आने वाले 2-3 दिनों में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और तापमान क्योंकि अधिकतर जगह 40 के अप्रॉक्स हो जाएगा तो डिस्कम्फर्ट है, जो दिक्कत है वो थोड़ा सा लोगों को देखने को मिलेगी। तो लोगों से अपील करते हैं कि अपने आप को हाइड्रेट करें और जब तक ज़रूरी ना हो तो 12 से 3 का जो समय है वो बाहर निकलने से बच सकते हैं। ज़रूरी हो तो आप प्रिकॉशन के साथ में छाता, टोपी ये सब के साथ में आप बाहर निकल सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सा तापमान में आपको हल्की बढ़ोतरी झारखंड में देखने को मिलेगी 2 से 3 डिग्री की। और जो पूर्वी भाग है साथ में जो दक्षिणी या सटा हुआ मध्य भाग है वहाँ पे कुछ स्थानों पे आपको गर्जन के साथ वज्रपात भी और हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। धन्यवाद।